नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। उपचुनावों को लेकर दिनों दिन सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के साथ साथ अन्य वर्गों में भी अपने जनाधार को मजबूत करने में लगी हुई है। बीते 4 महीनों से केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं और इन तीनों ही सीटों पर किसान मतदाताओं की संख्या अधिक है। ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनावों में किसान आंदोलन का असर भी देखने को मिल सकता है। किसानों के मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश करने में लगी हुई है। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद तीनों विधानसभा क्षेत्रों में करीब 60% आबादी ग्रामीण या किसान परिवेश से है। वाम पार्टियों के असर के कारण सुजानगढ़ में किसान आंदोलन की धमक का असर जरूर है, लेकिन मेवाड़ के राजसमंद और सहाड़ा में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बीच कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में किसान मूवमेंट को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है और कांग्रेस कृषि कानूनों के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने, चुनावी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। सुजानगढ़ में किसान आंदोलन। सुजानगढ़ में बहुसंख्यक आबादी कृषि से जुड़ी। सुजानगढ़ में दिख रहा किसान आंदोलन का असर। चूरू जिले में आती है सुजानगढ़ विधानसभा सीट। हरियाणा राज्य से लगती है चूरू जिले की सीमा। कांग्रेस को किसान आंदोलन के चलते बीजेपी को नुकसान होने का अनुमान। राजसमंद में किसान आंदोलन। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है राजसमंद जिले की बड़ी आबादी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के बजाय खनिज व्यवसाय है रोजगार का मुख्य आधार। लंबे समय तक बीजेपी का शासन होने के बावजूद रोजगार का है क्षेत्र में अभाव। राजसमंद में कांग्रेस को किसान वोट बैंक का साथ मिलने की उम्मीद। सहाड़ा में किसान आंदोलन। सहाड़ा में भी किसान आंदोलन की चर्चा। कांग्रेस बढ़ चढ़ कर उठा रही 3 केंद्रीय कृषि कानूनों का मुद्दा। क्षेत्र की 80% ग्रामीण आबादी वाला किसान तबके से समर्थन की उम्मीद। राजस्थान में किसान वर्ग कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। कांग्रेस का कहना है कि किसान और कांग्रेस की राशि एक ही है। वहीं कांग्रेस ये भी दावा करती है कि राहुल गांधी देश के एकमात्र ऐसे शीर्ष नेता है जिन्होंने किसान आंदोलन के खिलाफ देशव्यापी अलख जगाई है। तर्क अपनी जगह है, लेकिन परिणाम जनादेश ही तय करेगा। अब 2 मई को ही पता चल पाएगा कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक अपनी परंपरा निभाता है या नहीं।